वालेकुम प्यारे बच्चों क्या हाल है आपका ठीक है कैसी तबीयत है आप लोगों की आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एंड बोहर एटॉमिक मॉडल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हमने इसके बारे में डिस्कस करना है जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्लासिकल थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन विच कंसिस ऑफ वेव्स ऑफ एनर्जी लाइक वेव्स वेव्स ऑफ रेडिएशन लाइट ये पुराना कॉन्सेप्ट है जो पहले से चला आ रहा है वेव्स कम भी होती हैं ज़्यादा भी होती हैं ये आप देखें कि ये बढ़ रही है कम हो रही है और ये वेव्स फिज़िक्स में भी आप लोग पढ़ते हैं सो दैट क्लासिकल थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन दी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है दैट वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक एंड ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन नाइनटीन अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन कंसिस ऑफ पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कार्ड क्वांटा क्वांटा इज़ प्लूरल एंड क्वान्टम इज सिंगल Single word, and this is just like these packets of small quantum quanta, and uh, they are also called photons. <coughs> Each quantum of energy has fixed energy which is equal to H nu, H is Planck's constant, and nu is for frequency of the radiation. Now we come to <coughs> back to our topic of rutherfords and बोहर्स अटामिक मॉडल डिफरेंस पहला डिफरेंस क्या था इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन बोहर्स मॉडल इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, विच मीन्स फिक्स्ड एनर्जी अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बोहर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं शेल्स के अंदर उनकी एनर्जी फिक्स्ड है हर शेल की एनर्जी फिक्सड है लेकिन इसके अंदर ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसलिए एनर्जी फिक्स नहीं है नंबर टू डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन इसके अंदर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में किसी भी डिस्टेंस पर न्यूक्लियस के गिर्द घूम सकते हैं रदरफोर्ड के मुताबिक बट अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन ऑर्बिट्स जिनके दूसरे नाम क्या हैं एनर्जी लेवल शेल्स एंड दे हैव फिक्स्ड एनर्जी उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है तीसरा डिफरेंस क्या है नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट ऑर्बिट के साथ ही आपको समझ जाना चाहिए कि ऑर्बिट का मतलब है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स होगी और शेल और एनर्जी लेवल और ऑर्बिट ये एक ही लफ्ज़ है तो रदरफोर्ड के अंदर ऑर्बिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट बट इन बोहर्स मॉडल आइडिया ऑफ ऑर्बिट वॉज गिवन बाई बोहर इन विच ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ फिक्सड एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम आप बोहर मॉडल में पढ़ चुके हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू बाई नंबर फोर डिफरेंस एटम्स शुड हैव कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम भी कल बता दिया था कॉन्टीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस क्या है और वो एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन रदर के मुताबिक हमें स्पेक्ट्रम हासिल होना चाहिए डिफेक्ट्स इन रदर मॉडल आपने पढ़ा था तो उसके अंदर ये बात आई थी और इसके अंदर क्या है जो एक्चुअल में होता है एटम्स प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम एंड दीज दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दिज टू मॉडल्स नंबर फाइव इफ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम इज़ ऑप्टेंड एटम्स शुड कोलेब्स electrons should when electron is revolving around the nucleus it should follow a path like this and it should ultimately fall into the nucleus and it should collapse but according to bohr's model electrons are revolving around the nucleus इन देयर पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैविंग फिक्सड एनर्जी एंड दे कैन नाट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी अनलेस और अनटिल दे जम्प फ्राम वन ऑर्बिट टू एनअर एक टॉपिक ये मुकम्मल हुआ दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स एकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये शेल्स में वन बाई वन डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हैं हमने सिर्फ ये करना है कि हमने उसको समझना है कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्स इन देयर पार्टिकुलर शेल्स अब शेल क्या होता है शेल को समझें कि शेल हैज़ गॉट थ्री नेम्स शेल्स ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल दे हैव पार्टिकुलर नेम्स शेल नंबर वन हैज़ नेम के एल एम एन एंड सो ऑन सेवन शेल्स होते हैं सेवन तक हो सकते हैं चूँकि सेवन ऑर्बिट्स हैं पीरियोडिक टेबल में तो सेवन तक शेल्स हो सकते हैं अब इसकी डेफिनेशन क्या है मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्योपाई यानी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होगी और वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होंगे वो एक ख़ास एनर्जी प्रोजेस करेंगे उसके बाद है एवरी शेल हैज़ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ये हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी जब तक हमें नहीं पता होगी किसी भी शेल की या आगे सब शेल आएगा तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेक्टली नहीं लिख सकते द एवरी शेल हैज़ इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी विच इज़ डिटर्म बाय द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल इज़ इक्वल टू टू एन स्क्वायर अब ये एन क्या चीज़ है एन इज़ द नंबर ऑफ शेल और शेल नंबर की बात है एन को एन में आप शेल का नंबर जिस शेल की आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना चाहते हैं आप उसके अंदर पुट करें यू गेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी एकोमोडेटेड टू ए मैक्सिमम लिमिट इन ए शेल मसलन पहले शेल में आप देखें कि वैल्यू पुट की वी गेट आंसर टू पहले शेल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते दूसरे शेल में आठ से ज़्यादा नहीं आ सकते तीसरे में अठारह और चौथे में थर्टी टू ये हो गई शेल की बात अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो शेल के अकॉर्डिंग टू शेल भी लिखी जाती है और सब शेल के हिसाब से भी लिखी जाती है तो हमने औरबिटल और सब शेल को भी समझना है और उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी और उनकी फिर उसके बाद तरतीब को देखेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना समझेंगे ऑर्बिटल और सबशेल ये क्या चीज़ होती है इट इज़ इसकी डेफिनेशन बाद में समझेंगे बाद पहले हम ये समझें कि ये इसका और शेल का क्या ताल्लुक़ है जो शेल है ये के एल एम दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इन टू स्मॉल रीजन्स अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड तो यानी शेल को फर्दर सब डिवाइड कर लिया गया और इसकी डेफिनेशन इसका और शेल का डिफरेंस क्या है शेल इज़ ए पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है एक एक जैसे प्लेनट है वो सन के गिर्द एक लाइन पे चल रहा है वो क्या है वो क्या कहलाएगा दैट इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्बिट और जो सब शेल है इसकी डेफिनेशन क्या है रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वे चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम यानी ये एक ऐसा एरिया है मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है तो इसके गिर्द ये पूरी जगह जो है